हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा पांच ऐसी बड़ी भर्तियों के बारे में जो 2020 अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने जा रही है। तो दोस्तों इन वैकेंसीज की सारी जानकारी मैं एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और साथ में दोस्तों मैं आपको इस वैकेंसीज के बारे में अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो यार, अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी आने वाली प्रत्येक सरकारी वैकेंसी की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों RSRTC में राजस्थान रोडवेज में ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती होगी जिनकी संख्या 1167 रहेगी। दोस्तों राजस्थान पत्रिका में हाल ही में कुछ एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार आया था कि 6 वर्ष पहले अधिकारी और कार्मिक थे लगभग 20,000, अब रह गए हैं 14,000। तो दोस्तों 6 साल से भर्ती नहीं हुई थी, तो अफसर से लेकर कर्मचारी तक इसमें 5740 पद खाली है, तो दोस्तों इसमें भर्ती होगी। राजस्थान रोडवेज में एक तरफ जहां बसों की संख्या घटती जा रही है वही दूसरी ओर चलाने वाले स्टाफ की संख्या भी कम होती जा रही है। इस चीज को देख के राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर भर्ती होगी। तो 6 साल से जो रिक्त पद थे रोडवेज के वो 5740 पदों की भरपाई 2020 में होगी। जो दोस्तों इस वैकेंसी की भर्ती अगस्त सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद में है RPSC पोस्ट फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती होगी, इनकी संख्या रहेगी 3224। दोस्तों प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी, 3137 पदों पर भर्ती होगी। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों वैकेंसी निकल सकती है अगस्त सितंबर अक्टूबर में। तो दोस्तों राजस्थान प्रिजन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलेगी, जेल विभाग में KD जेल विभाग में वैकेंसी निकल सकती है। दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट रहेगी 925 और इसमें अपने को जो योग्यता चाहिए होती है वो 10+2 चाहिए, 10+2 अर्थात 12वीं पास इसमें योग्यता मांग सकते हैं। दोस्तों जेल प्रहरी पे भर्ती होगी तो इसमें भी कुछ वैकेंसी निकल सकती है, 925 पदों पर भर्ती होगी। और दोस्तों जैसा कि राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकती है तो लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड टीचर पर भर्ती होगी, बाकी प्रिंसिपल लेक्चर लैब टीचर टोटल वैकेंसी 2452 पोस्ट पर भर्ती हो सकती है। तो दोस्तों इन प्रकार की वैकेंसी की सबसे पहले जानकारी आपको आपके अपने चैनल आईटी नॉलेज पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना होगा और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा जिससे कि आने वाली सभी सरकारी वैकेंसी की आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों अपन लोग इसके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे CISF पैरामेडिकल स्टाफ फोर्स में रिक्वायरमेंट निकली हुई है 789 पोस्ट पे, 10+2 उसमें आवेदन कर सकते हैं, इसके भी वीडियो अपने बना रखे हैं। और जेल प्रहरी के और बाकी राजस्थान हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली हुई है उनके वीडियो अपलोड करे हुए हैं तो आप उनको देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों RSMSSB में वैकेंसी निकलेगी, तो दोस्तों इसमें वेटरनरी डॉक्टर टोटल पोस्ट रहेगी इसमें 900। दोस्तों RPSC में 900 पदों पर भर्ती हो सकती है पशु चिकित्सक की, तो दोस्तों इसमें वेटरनरी चाहिए। और जो इसमें वैकेंसीज है जिले वाइज निकलेगी, जैसे अजमेर में 120 पद निकल सकते हैं, अलवर में 129 पद निकल सकते हैं, बांसवाड़ा में 85, इस प्रकार दोस्तों ये वैकेंसी निकलेगी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों सरकारी वैकेंसी की सबसे पहले जानकारी के लिए आप अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। धन्यवाद।